एकता कपूर के शो लॉकअप में आखिरी अरीना टास्क के दौरान शायशा शिंदे ने दिया पूनम पांडे के लिए बड़ा बलिदान। वेल आखिरकार क्या पूनम पांडे को एविक्ट होने से सेफ करने के लिए शायशा शिंदे ने कर लिया खुद को एविक्ट? वेल आखिरकार क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल आपको बता दूँ कि एकता कपूर के शो लॉकअप में आखिरी अरीना टास्क कराया करण कुंद्रा ने जेल में आकर, वहीं शायशा शिंदे और पूनम पांडे में कड़ा मुकाबला हुआ। वेल फिर भी पूनम पांडे शो से लॉकआउट होने ही वाली थी कि शायशा शिंदे ने ये रिवील कर दिया, शायशा शिंदे ने ये अनाउंस कर दिया कि वो पूनम पांडे को सेव करना चाहती हैं और खुद शो से बाहर जाना चाहती हैं। वेल आपको बता दूं कि पूनम पांडे ने शायशा शिंदे की इस बात को सुनकर घर से एविक्ट होने के लिए इवन कि उन्होंने रुकने को नहीं कहा बल्कि उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि शायशा को कहा जिस तरीके से पूनम ने कि तू जिस तरह से स्ट्रगल करते आई है, तेरा स्ट्रगल बिल्कुल जेन्युइन है और कहीं ना कहीं तुझे जीतना भी चाहिए, और मैंने अगर जीता है तो अपनी मेहनत से जीता है और यहाँ तक भी पहुँची हूँ तो अपनी मेहनत से जीती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर तू अपने जगह पर मुझे यहाँ पर छोड़ कर जाएगी और तू एविक्ट हो जाएगी तो मैं आगे गेम खेल ही नहीं पाऊँगी, मुझे वो जेन्युइन नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि किसी ने मुझे खैरात में दे दिया अपना जगह और बस मैं शो में आगे बढ़ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं पूनम पांडे ने शायशा के इस डिसीजन को कहीं ना कहीं मना कर दिया, और साथ ही साथ करण कुंद्रा ने भी बहुत ही हम्बल और बहुत ही म्यूचुअल तरीके से शायशा शिंदे के इस डिसीजन को डिसलाइक करते हैं और कहीं ना कहीं शायशा को मना कर देते हैं एविक्ट होने से। वेल आखिरकार ये तो बात मानना पड़ेगा कि शायशा शिंदे के हमेशा से सभी को खुश रखने वाले तरीके हमेशा ही लॉकअप में भी सबको खुश कर देते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे शायशा शिंदे की इन बातों को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।